आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में जायसवाल समाज बैसी समाज पर सरकार और नेताओं के इशारे पर पुलिसिया कहर। ताजा घटना देवरिया जनपद के पकड़ी बाजार का मामला, जहां मदनपुर पुलिस का तांडव जायसवाल परिवार के साथ। जायसवाल समाज देवरिया उत्तर प्रदेश इस घटना की कड़ी निंदा करता है और इस घटना में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करता है। न्यायालय में जमीनी विवाद, पुलिस का तांडव, योगी के मंत्री का संरक्षण, पत्रकार का मोबाइल छीनकर फेंका। उत्तर प्रदेश में पुलिसिया तांडव का नया नजारा देवरिया जनपद के थाना मदनपुर स्थित पकड़ी बाजार चौराहे से सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के इशारे पर पुलिस ने एक गरीब महिला की जमीन पर कब्जा कराने के लिए उसकी बेटी को घर से उठाकर थाने में बैठा लिया। स्थानीय लोगों ने दोपहर 3 बजे से धरना दिया तो शाम को पुलिस अपने तांडव पर उतर आई और जब इसकी जानकारी पत्रकारों को हुई तो लाठीचार्ज से पहले कई पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और एक पत्रकार का मोबाइल चौकी इंचार्ज पकड़ी बाजार ने छीन कर फेंक दिया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ज्ञात हो कि उषा देवी उम्र 55 साल, पत्नी रमेश जायसवाल ग्राम पकड़ी बाजार थाना मदनपुर की निवासिनी है और इनका जमीनी विवाद गिरजा देवी से दीवानी न्यायालय में चलता है। गिरजा देवी की पहचान इलाके की गांधी जी को देखकर कार्य करने वाली महिलाओं में होता है। पुलिस गांधी जी के दर्शन करके गिरजा देवी का सदैव सहयोग करती रही है, लेकिन इस बार मंत्री का इशारा था इसलिए पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उषा देवी की लड़की को सुबह से ही थाने में बैठा कर रखा। स्थानीय लोग विरोध में उतर आए और मार्ग जाम कर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसकी जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पहले तो मामले को हल्के में लेते हुए उसने गरीब महिला की जमीन पर गिरजा देवी को कब्जा दिलाने के लिए प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों का हुजूम बढ़ता चला गया, जिसको देख रात करीब 8 बजे पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने से पहले पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया और चौकी इंचार्ज पकड़ी बाजार ने एक पत्रकार का मोबाइल छीनकर सड़क किनारे फेंक दिया, जिसके बाद सूत्रों की माने तो पुलिस ने पकड़ी बाजार चौराहे पर जमकर तांडव मचाया। दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है और अब फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी देकर पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुट गई है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। बीते दिनों लखीमपुर खीरी से सबक ना ले पाई यूपी पुलिस आज भी सत्ता की गुलामी में लगी है और गरीबों का दमन कर अपना कद बढ़ा रही है, जिसकी वांगी आज पकड़ी बाजार में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार और देवरिया की पुलिस अधीक्षक से आग्रह है कि इस घटना में सही न्याय करें और दोषी पुलिस कर्मियों पर प्रभावी कार्रवाई करें। न्यूज 9 भारत से गजेंद्र मिश्रा के साथ सत्येंद्र कुमार राव की रिपोर्ट। मामला बा चाची आपके का मामला बा? का मामला बा? लड़की के जैसे उठा के जमीन का मामला बा। वो हमारा जमीन नहीं बनने दे, उसका कीमत चल रहा है, कौन नहीं बनने दे रहा? क्या नाम है? अभी आप कहाँ आई? अभी आप कहाँ बैठी हैं? आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।